दयाशंकर तिवारी ने सोमवार को अपना जन्मदिन सामाजिक कार्यक्रम मनाया। नागपुर शहर के प्रथम नागरिक महापौर दयाशंकर तिवारी ने सोमवार को अपना जन्मदिन मनाया। महापौर ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके शुभचिंतकों की ओर से शहर के विविध स्थानों पर आरोग्य शिविर का आयोजन किया था। इस शिविर का बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। नेत्र कैंसर और आरोग्य इन सभी जांच इस शिविर में शामिल थे। साथ ही महापौर के जन्मदिन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से महापौर दयाशंकर तिवारी के हस्ते शहर के मेडिकल मेयो और डागा अस्पताल जरूरी वस्तुओं का वितरण किया गया। अनायास आप लोग आ गए इसलिए आपको पता चल गया। ये तो ये काम तो ऐसे होते हैं कि ये हाथ दे और वो हाथ किसी को पता ना चले। आज सुबह प्रभाग में तीन जगह कैंप है, एक खापरीपुरा इतवारी में है, वहाँ यमाजी मठ में जनरल हेल्थ चेकअप कैंप है। जिस हेल्थ चेकअप कैंप में बाल चिकित्सक, महिला चिकित्सक, सीनियर सिटीजन के दृष्टि से वहाँ पर MD मेडिसिन, इस प्रकार से तीनों उम्र के लोगों के चिकित्सा की वहाँ व्यवस्था है। वहाँ पर हमारी टीबी ट्यूबरकुलोसिस की टीम है जो टीबी की जांच कर रही है, एक्सरे निकाल के डिजिटल एक्सरे के माध्यम से स्कैनिंग की जा रही है। महिलाओं में स्तन कैंसर तो नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर, उसकी स्कैनिंग की जा रही है। ECG की व्यवस्था है, मेडिसिन की व्यवस्था है, वहाँ लिपिड प्रोफाइल, LFT, KFT जैसी जो महंगी ब्लड रिपोर्ट्स है वो सारे निःशुल्क करने की व्यवस्था वहाँ पर की है। इस दृष्टि से वहाँ वो कैंप किया जा रहा है। एक कैंप नित्यानंद विद्यालय में है जहाँ हम लोग महात्म्य नेत्रपेढ़ी के माध्यम से कैटरक डिटेक्शन कैंप ले रहे हैं। जिस कैटरक डिटेक्शन कैंप में जिनको कैटरक डिटेक्ट होगा वो सभी का निशुल्क ऑपरेशन करेंगे। उनको लेंस लगाने से लेकर चश्मा देने तक सारी सुविधा हम लोग करेंगे, वो वहाँ हो रहा है। एक तीसरा डेंटल कैंप है जो आदर्श विद्या मंदिर में हो रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।